एक और नया अलंकार, बल का गले में खटके लाने का एक और नया अलंकार मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ उपज है, रियाज करते करते कुछ आया और मैंने सोचा आप सभी लोगों तक शेयर करूँ। तो उठा लीजिए अपने कॉपी पेन और नोट कीजिए ये सारे अलंकार जो जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। आज जो मैं अलंकार बताऊँगा वो दो तरीके से रियाज कर सकते हैं, उसका उलट फेर दोनों तरीका बताऊँगा। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा अलंकार है, आप ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। वैसे तो अलंकार डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आएगा, और आप चाहें तो स्वरांगिनी हमारी किताब खरीद लीजिए, उसकी PDF, उसमें सारे अलंकार हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं। लेकिन क्या होगा, अभी अगर आप मेरे साथ गाते बजाते हैं या लिख लेते हैं ना, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, है ना। तो बस उठाइए और शुरू कीजिए। छोटी सी मैं आपको ग्लिम्स अगर उस अलंकार की दूं तो ऐसे जाता है। पूरा वीडियो देखिए और जानिए ये अलंकार आप कैसे सीख सकते हैं। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। हजार से भी ज्यादा हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, स्पैनिश, हर लैंग्वेज में गीत हैं इस एप्लीकेशन में। अभी डाउनलोड कीजिए और सीखिए इन सारे गानों को। अगर आप चाहते हैं आपका कोई पसंदीदा गीत सीखना, तो उसका भी YouTube से लिंक कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं और वहां से भी सीख सकते हैं। इंडियन क्लासिकल तो है ही, वेस्टर्न भी है, कर्नाटक भी है, हर प्रकार का संगीत है। तो अभी डाउनलोड कीजिए रियाज ऐप। कभी अश्क आँख से ढल गए, ये तुम्हारे हम के चराग हैं। कभी बुझ गए, कभी जल गए, कभी लब पे मचल गए, कभी आह लब पे मचल गई। बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी अभी आपने भवेन खोखावत जी की आवाज़ में सुनी। ये उस्ताद गुलाम अली खान साहब की गाई हुई गज़ल है और उन्हीं की कंपोज है, है ना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने गाया है। अब ज़रूर आप इसे YouTube पे सुनिएगा। तो आइए अब हम फिर से बात करते हैं कि कैसे हम इसे इस अलंकार को सीख सकते हैं। देखिए, कोई सा भी अलंकार हो, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैं हर अलंकार के वीडियो में आपको बताता ही बताता हूं कि अगर अलंकार को रियाज करना है तो उसका तरीका क्या होता है, है ना। सबसे मेन चीज़ वही होती है, अलंकार कोई सा भी हो, कितना ही मुश्किल हो, कोई टिपिकल सा हो, कोई एडवांस हो, कोई बेसिक सा अलंकार हो, बड़े जटिल उसमें पलटे हो या सीधी सीधी उसकी सपाट सा उसका पैटर्न हो, कैसा भी अलंकार हो, उसको रियाज करने का तरीका होता है जिससे कि हमें असर होता है, है ना। अलंकार से नहीं, अलंकार की तासीर नहीं होती कि अलंकार नहीं कि अलंकार बड़ा मुश्किल सा है तो हम अगर उसे गाते हैं तो हमारा भी गला एकदम अच्छे से चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाने का जो तरीका है उस पर निर्भर करता है। अगर मुश्किल से अलंकार को आप बिल्कुल उसकी छंद, उसकी बांट, उसके वजन के अनुसार रियाज ना करो तो उसका भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन सिंपल से जो बेसिक हमारे सात अलंकार होते हैं, सारे गम रे गम प ग म प ध, सारे गम प रे गम प ध ग म प ध नी, सारे गम प ध नी रे गम प ध नी सा, ये जो सिंपल अलंकार हैं बेसिक वाले, है ना, जो सात अलंकार बनते हैं, अगर इनका भी आपने छंद, बांट, लय के अनुसार रियाज कर लिया तो गला आपका बेहतरीन हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है। तो अब मैं जो आपको अलंकार बताने जा रहा हूं उसमें भी यही चीज है। देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आप करते हैं तीसरा अलंकार, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, इसे अगर ऐसे रियाज करोगे तो इसका असर नहीं होगा। लेकिन यही इसकी बांट जो है कि एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये जो उसका कट है, अगर उसका रियाज करोगे तो असर होगा। जैसे चौथा है तो सा रे ग म रे ग म प ग म प ध, स्वर में भी और आकार में भी कैसे जाएगा, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा, है ना। अब आकार में जाएगा तो आ, है ना, ये जो खटके हैं, है ना,
हैं, जिसे अगर मैं मेरे दादा गुरुजी की लैंग्वेज में कहूँ तो ये जो खसके हैं, यानी जो ये बांट बन रही हैं, ये खंड जो बन रहे हैं, इनका रियाज होता है बेसिकली। कोई भी अलंकार हो, अगर ये खंड का आपके गले में बैठा हुआ है कि ये जो छंद जा रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये जाना चाहिए, ना कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये जो सपाट जो जाता है ना, उससे गले में आप खुद ही सोचिए ना, जब आप वो खंड दे ही नहीं रहे हैं तो वो गले में वो खंड पैदा कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए ये करना होता है। अब जो आज जो अलंकार बताने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको बहुत पहले एक अलंकार सिखाया था, एक वीडियो दिया था मैंने, जो बल के अलंकार थे, है ना। बल यानी वो जो वजन आता है उसका जो अलंकार, तो जब दानेदार ताने करते हैं तो एकदम आता है ना, जैसे ये जो मैंने आपने देखा, इसमें मेरे को ये स्विच जा रहा था, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो, एक दो, एक दो तीन चार, ये जो मैं कर रहा था, है ना। ये जो बल की चीज़ें होती हैं, ये भेंडी बाजार घराने में खास होती हैं, है ना। तो मेरे दादा गुरुजी उसी घराने से बिलोंग करते हैं, और हमको थोड़ी सी तालीम जो हम थोड़ी बहुत भी ले रहे हैं वो उसी घराने से ले रहे हैं। तो खैर, ये जो अलंकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें वो जो खंड हैं उसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो अब जो मैंने वो बल वाला अलंकार बताया था, वो करना कुछ नहीं था, वो बड़ा सिंपल सा था कि वो पहला पेज जो होता है, यानी सारे गम रे गम प ग म प ध, सारे गम प ध नि रे गम प ध नि सा, सारे गम प ध नि सा, है ना। ये जो सिंपल वाले जो बेसिक अलंकार हैं, इन्हीं को मैंने उल्टा कर दिया था, है ना। जैसे सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, इसका बन गया गरे सा, सारे ग का गरे सा बना दिया, रे ग म का म गरे बना दिया, गरे सा म गरे प म ग ध प म नि ध प सा ने दा। इसमें क्या हुआ, कूदने का भी रियाज हो गया, जैसे म गरे सा प, है ना, म गरे सा प म गरे ध प म ग, म गरे सा म गरे सा प, डायरेक्ट प लगाना होगा, है ना। ये तानपुरे पर भी कर सकते हैं आप, हारमोनियम में भी कर सकते हैं आप, ये भैरवी में, बिलावल में, कोई से भी था आर्ट में करिए, कोई से भी स्केल से करिए। मैं अभी पहली सफ़ेद से आपको बिलावल में बता रहा हूँ, बेसिक सा जो है एकदम स्टैंडर्ड करके, है ना। उसके अलावा आपके ऊपर है, आप इसे कैसे रियाज करते हैं, है ना। इससे क्या हुआ, ये कूदे ना आप, तो कूदने से स्वरों का रियाज अच्छा हो जाता है, पक्कापन आ जाता है कि सा से सीधा ध लगाया, सा से सीधा नी लगाया, ठीक है। तो ये वो पैटर्न था, इसी पर बेस्ड ये आज वाला अलंकार है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कैसे जाएगा, एक दो तीन, सारे सारे ग रे ग रे ग म ग म ग म प। अब ये जो आप बांट देख रहे हैं, ये पांच की बांट है, एक दो तीन, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना, है ना। अगर आपने झपताल सीखी तो आप जानते हैं पांच की बांट ये होती है। तो पांच की बांट आपने समझ ली, अब इसके अलावा जाएगा तो छठा जाएगा, जैसे सारे सारे ग म रे ग रे ग म प ग म ग म प ध। अब ये आप देखेंगे तो छः है, और छः का डिवीजन हमने क्या सीखा है, एक दो तीन, एक दो तीन, लेकिन मैं यहाँ क्या डिवीजन दे रहा हूँ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो ये भी एक चीज़ है कि जब हम छंदों का रियाज करते हैं, हमें छंदों को समझना है कि बांट क्या है, तो हम क्या करते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि भाई छः तो ऐसी ही बोली जा सकती है, सात तो तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, यानी एक दो तीन, एक दो ऐसे ही बोली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्रिएटिविटी है, आप उसको बदलिए, है ना। जाहिर बात है, ताल में तो वही बांट आ चुकी है तो वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह वही चलेगी, लेकिन जब आपको कुछ क्रिएट करना है, कोई नई सरगम बनानी है या कुछ नया टुकड़ा बनाना है, तो उसकी बांट से ही तो खेलना होता है, वहीं तो मज़ा आता है, है ना। जैसे छः को ही मैं कितने तरीके से बोल सकता हूँ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये भी छः है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो, ये भी छः है, एक 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 दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये भी छः है, है ना। तो छः को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, सात को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, इसके जो डिवीजन से अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो फिक्स्ड दिमाग है वो थोड़ा खुलेगा आपका, है ना, कि भाई ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अलंकार कैसा है, सारे सारे ग रे ग रे ग म ग म ग म प म प ध प ध प ध नि ध नि ध नि सा, इसी को उल्टा भी आना है, सारे सारे ग म रे ग रे ग म प ग म ग म प ध म प ध नि प ध प ध नि सा, ये हो गया। फिर सारे सारे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नि, एक एक सुर आगे बढ़ा रहा हूँ, सारे सारे ग म प ध नि रे ग म प ध नि सा। अब ऊपर से नीचे कूदना भी हो रहा है इसमें, सारे सारे ग म प ध रे ग म प ध नि सा नि रे, है ना, तुरंत आप कूदे। तो एक तो ये हो गया, और एक जो गरे सा म गरे बताया था उसी ही में ये वाला पैटर्न मिक्स करेंगे, तो गरे सा म गरे, इसकी जगह गरे गरे सा म ग रे प म ग ध प ध प म नि ध प, है ना, म गरे सा प म ग रे ध प म ग नि ध प म, है ना, ध प म गरे सा नि ध प म गरे।
अब इसको अगर आप लय में करेंगे थोड़ी सी बढ़ाकर, तो देखिए कैसा असर आता है इसका। ये सप्तकों का रियाज हो गया, इसमें ये नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा अगर इसका आप उल्टा करते हैं तो। मा ग म ग रे सा म तक गया ये, इसका अगला वाला तो प तक जाएगा। आपने देखा जैसे जैसे ये ऊपर भी गए नीचे भी जब उसका उल्टा आएंगे तो ये भी पूरा आपका खर्च में उतरेगा। तो ये चीज़ है, सप्तकों का भी रियाज हो जाता है इससे। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ नया बनाते रहिए, रटिए मत। मैं बिल्कुल भी इस चैनल पे आपको अलंकारों को याद नहीं कराना चाह रहा हूँ, या ऐसा नहीं कि भाई ये अलंकार तो हमने निषाद से सीखा है तो ये उसका ठप्पा लग गया, ऐसा नहीं। मैं आपको यहाँ क्रिएटिविटी सिखा रहा हूँ कि खुद से बनाइए, खुद से कैसे उपज कर सकते हैं। फॉलो नहीं करना है किसी को, यूनिक बनना है तो खुद से अलंकार कैसे बना सकते हो, मैं बस वो सिखा रहा हूँ आपको। देखते रहें इसी तरह संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, आप भी कुछ ना कुछ नया बनाते रहिए। शुक्रिया।